मुंबई के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने दिया अयोध्या के रामलला को एक स्पेशल तोहफा। मुस्लिम परिवार ने बनाया रामलला के लिए सोने का सिक्का। आखिरकार क्या है रामलला के इस तोहफे में सबसे खास? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। आज हम अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक कुछ दिन पहले ही आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी बेहद खुश हो जाएंगे। क्या है पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही दिन बच गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुओं में काफी उत्साह है और खास बात यह है कि कुछ मुस्लिम परिवार भी इस खुशी में जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, मुंबई में एक मुस्लिम परिवार रहता है और इस विशेष अवसर के लिए सिक्के बना रहा है। जी हाँ, इस सिक्के के एक तरफ राम मंदिर बना हुआ है और दूसरी तरफ इस सिक्के के मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। मुंबई का रहने वाला ये खास मुस्लिम परिवार अब तक 2500 सिक्के बना चुका है और ये परिवार जल्द ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ये सिक्के समर्पित करेगा। इस सिक्के की खास बात यह है कि कमल की फोटो के साथ लिखा हुआ है मोदी अनस्टॉपेबल। दूसरी तरफ राम मंदिर के साथ लिखा है अयोध्या धाम। सोने की तरह चमक रहे ये सिक्के उन राम भक्तों के लिए बन रहे हैं जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सिक्के के एक तरफ जहां राम मंदिर बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कमल के फूल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है। तकरीबन 2500 सिक्के सोने की तरह चमक रहे हैं। ये सिक्के पीतल से बने विशेष मेटल के हैं जिसकी चमक अगले 10 साल तक बनी रहेगी। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए गए विशेष राम भक्तों के लिए सिक्के बनाए गए हैं। लेकिन जो खास बात है ये वो है कि इसे बनाने वाला मुंबई का एक मुस्लिम परिवार है। 20 साल से ज्यादा समय से देवी देवताओं के सिक्के बना रहा शाहबाज राठौर का कहना है कि राम जी से ही उनकी रोजी रोटी चल रही है तो उनके लिए इतना करना तो बनता ही है। शाहबाज की पत्नी प्रिया जन्म से तो हिंदू है, वो अपना खुद का फिल्म का प्रोडक्शन हाउस चलाती है। प्रिया का भी कहना है कि हम मुस्लिम बाद में हैं, पहले एक हिंदुस्तानी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार का कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से संपर्क किया। इस परिवार की इच्छा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को आने वाले मेहमानों को सिक्के बांटे जाए। तो एक तरफ जहां 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विरोधी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मुंबई का ये मुस्लिम परिवार भी है जो अपनी राम भक्ति दिखा रहा है सिक्के बनाकर। फिलहाल आज मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।